हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। आपको स्वागत है क्रिकेट विद शत्रुघ्न चौबे चैनल पे। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं डॉल्फिन वर्सेस रॉक के बीच में होने वाला मैच के बारे में। तो दोस्तों, ये मैच स्टार्ट होने में अभी भी 3.5 घंटा बाकी है। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कौन सा प्लेयर आपको बेहतर होने वाला, कौन सा विकेट कीपर, बैट्समैन, ऑलराउंडर और बॉलर। तो दोस्तों, यहाँ पर एक अच्छी टीम बनाने के लिए आपको टॉप 11 प्लेयर्स को पिक करना पड़ेगा। लेकिन इससे पहले आपको कुछ इन्फॉर्मेशन जानना है दोस्तों। एग्जाम्पल हो गया, टीम के बीच में जो मैच डिटेल्स उसको जानना, उसके बाद पिच रिपोर्ट किस तरह पिच बिहेव कर रहे हैं, बैलेंस है, बॉलिंग पिच है, बैटिंग पिच है, पिच है, ये भी जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। एवरेज स्कोर यहाँ पर इस पिच पे कितना बनने वाला है। उसके साथ साथ दोस्तों, यहाँ पर आपको जानना है दोनों टीम की फॉर्म, ग्रैंड लीग के लिए आपको कौन सा प्लेयर बेहतर होने वाला है, उसके बाद टीम फॉर्म क्या है, पॉइंट टेबल पे कितने पोजिशन पे, उसके बाद दोनों टीम के जो प्लेयर स्टैट्स है, प्लेइंग 11 के स्टैट्स जानना। ये सारा इन्फॉर्मेशन अगर जान जाओगे दोस्तों, तो आपको टीम बनाने में कोई मुश्किल नहीं होगा। लेकिन ये सारा इन्फॉर्मेशन जाने बिना अगर आप टीम बनाओगे तो दोस्तों, मैं बता सकता हूं आप 100% हार जाओगे। तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, आपको पूरा इंफॉर्मेशन देखना है दोस्तों। तो उसके साथ साथ पहले बार आप मेरे चैनल पे आए तो दोस्तों, जल्दी से जाके यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इसके साथ जो बेल आइकॉन है उसको भी क्लिक करना दोस्तों। फ्यूचर में जो भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा तो आपको सीधा नोटिफिकेशन पे मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आप वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको ना मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना पड़ेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दोस्तों। अगर बाय मिस्टेक लिंक ओपन नहीं होता तो टेलीग्राम पे जाके @शत्रुघ्न225 चेक कीजिएगा। चेक करते हैं दोस्तों, आपको मेरे चैनल शो हो जाएगा। यहाँ पर 1314 यूजर्स मेरे चैनल को ज्वाइन कर चुके हैं। एक और प्रोसेस है दोस्तों, आप यहाँ पर टेलीग्राम पे जाके क्रिकेट विद एससी भी जाके सर्च करेंगे तो मेरे चैनल शो हो जाएगा दोस्तों। 1314 यूजर्स मेरे चैनल को ज्वाइन कर चुके हैं, आप भी जल्दी से यहाँ पर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो दोस्तों, आप लेट नहीं करते, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, ये जो मैच है डॉल्फिन वर्सेस रॉक के बीच में खेला जाएंगे, आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया। तो ये जो 23rd T20 मैच है दोस्तों, यहाँ पर CSA साउथ अफ्रीका T20 चैलेंज का, और ये मैच 1:30 बजे होने वाला। अगर स्टेडियम एंड वेन्यू की बात करें, सेंट जॉर्ज पार्क यहाँ पर पोर्ट एलिजिबल साउथ अफ्रीका में खेला जाएंगे। उसके बाद आता है दोस्तों, यहाँ पर दोनों टीम के कॉम्बिनेशन यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेंगे। उसके बाद पिच की बात करें दोस्तों, तो ये जो पिच है ना, बैलेंसड रहने वाला है। तो यहाँ पर एवरेज स्कोर यहाँ पर 140 से 160 तक सकता है। और वेदर की बात करें, क्लियर स्काई रहने वाला है दोस्तों, टेम्परेचर 20.62 डिग्री सेल्सियस है। तो दोस्तों, यहां तक ये नॉर्मल इंफॉर्मेशन है। उसके बाद दोस्तों, आपको दोनों टीम की जो प्लेइंग 11 है, सारे प्लेयर्स के स्टैट्स यहां पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, यहां पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर पहले हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डॉल्फिन टीम की। अगर डॉल्फिन टीम की बात करें तो पहला हम लोग 7 प्लेयर्स को यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो जो यहाँ पर पहला प्लेयर है दोस्तों डॉल्फिन का, तो पहला प्लेयर है गोल्ट ग्रांट रोफिल्सन। अगर इनकी बात करें तो यहाँ पर लास्ट 5 मैच में इनके 1 शतक भी 120 रन, 1 अर्धशतक है, 34 रन 27 रन इनकी लीड स्कोर है, 4 रन लास्ट 5 मैचेस में। तो यहाँ पर इस प्लेयर को आप 100% कन्फर्म कर दीजिएगा। उसका बाद आता है दोस्तों, यहाँ पर सेकेंड प्लेयर कीगन पेडरसन। अगर इनकी बात करें तो 90 रन है, 154 रन, 145 रन बनाए, 32 रन, इनका लीस्ट स्कोर है 3 रन। तो दोस्तों, इस प्लेयर को 100% आपको कंफर्म करना पड़ेगा। अब आता है दोस्तों, यहाँ पर जो थर्ड प्लेयर है खाया जोंडो। अगर इनकी बात करें, इनकी बेस्ट है 97, एक मैच में प्लेइंग 11 में थे लेकिन इनको मौका नहीं मिला, और एक मैच में 35 रन बना के आउट हो गए, 12-19 रन है। आप चाहे तो इस प्लेयर को ट्राई कर सकते हैं दोस्तों। उसके बाद डेविड मिलर, इनके एक्सपीरियंस बहुत है दोस्तों, लेकिन फॉर्म पे तो नहीं है, लेकिन लास्ट 2 मैचेस पे यहाँ पर अर्धशतक बना रहे हैं, 57, 58, 34, 39, 9 रन बनाए, इनकी लीस्ट स्कोर 9 रन है। लेकिन इस प्लेयर को आप 100% टीम पे रखें और कैप्टन भी बना सकते हो। उसके बाद आता है दोस्तों, यहाँ पर जो फोर्थ प्लेयर है ब्राइसी पार्सन्स है। अगर इनकी बात करें, इनकी बेस्ट है 65 रन 0 विकेट है। उसके बाद यहाँ पर देखा जाए तो विकेट 5 मैच में इनके कोई भी विकेट नहीं मिले दोस्तों। तो यहाँ पर अगर लेना है तो इस बैट्समैन को समझ के लीजिए, नहीं तो बॉलर समझ के लेंगे, ऑलराउंडर भी समझ के मत लेना, क्योंकि इनको विकेट्स नहीं मिल रहे। तो इस प्लेयर को आप चाहे तो अवॉइड कर सकते हो। उसके बाद आता है दोस्तों, यहाँ पर आक्रमण की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो, इनकी बेस्ट है 123 रन 0 विकेट, 148 रन 0 विकेट, और यहाँ पर 96 रन से 1 विकेट है। तो दोस्तों, यहाँ पर देखा जाए तो लास्ट 3 मैच में कमाल की पारी खेल रहा है, यहाँ पर लगभग 96 पे आउट हो गए, लेकिन ये भी शतक होने वाले थे। तो इस प्लेयर को मैं 100% कन्फर्म कर रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि प्लेयर अच्छे फॉर्म में है। उसके बाद एंडल पहलुक वायो की बात करें तो यहाँ पर साउथ अफ्रीका के प्लेयर है, बहुत एक्सपीरियंस है दोस्तों, लेकिन फिलहाल इनकी फॉर्म नहीं है। इनकी बेस्ट है 15 रन 1 विकेट, बैटिंग 28 रन 2 बार बनाए। तो यहाँ पर इस प्लेयर को इस मैच के लिए आप अवॉइड कर दीजिए, नहीं तो अगर आप लेना चाहते हो तो ग्रैंड लीग के लिए प्लेयर आपको परफेक्ट है।
उसके बाद बात डिस्कस करते हैं 8, 9, 10, 11 प्लेयर्स की दोस्तों। तो यहाँ पर जो 8th प्लेयर आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रे नेलन सुब्रायन है दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हो लास्ट 5 मैच में इनको 3 विकेट मिले, उसके बाद कोई विकेट नहीं मिला, आप चाहे तो इनको ट्राई कर सकते हो। उसके बाद आता है दोस्तों यहाँ पर इथन बॉच, अगर इनकी बात करें तो यहाँ पर 9 रन 7 विकेट 4 रन 2 विकेट 0 रन 1 विकेट 1 विकेट और 12 रन कोई विकेट नहीं है। तो यहाँ पर देखा जाए तो हर मैच पर विकेट नहीं है दोस्तों इस मैच के अलावा, तो उसके बाद यहाँ पर इनको कंफर्म कीजिए। उसके बाद आते हैं दोस्तों टैंडो एंथनी, अगर इनकी बात करें तो यहाँ पर 2 विकेट है, फिर यहाँ पर 47 रन 2 विकेट, तो यहाँ पर 3 मैच में इनको विकेट नहीं मिला। अब डिस्कस करते हैं दोस्तों यहाँ पर जो ओटनेल बैट्समैन है दोस्तों, यहाँ पर अगर इनकी बात करें 23 रन 6 विकेट 0 रन 4 विकेट, यहाँ पर 2 मैच में विकेट नहीं मिले, यहाँ पर 1 विकेट है, तो दोस्तों इस प्लेयर को आप कंफर्म कर सकते हो। अब डिस्कस करते हैं दोस्तों रॉक टीम की, अगर रॉक टीम की बात करें तो पहले हम लोग कवर करते हैं फर्स्ट 7 प्लेयर्स की। तो यहाँ पर देख सकते हो जो पहला प्लेयर है जाने मन मलन है, एक अच्छे प्लेयर है दोस्तों, एक्सपीरियंस भी इनके पास है। अगर इनकी बात करें तो यहाँ पर 33, 45, 29 इनकी बेस्ट है, 15 बने इनकी लिस्ट है, 0 पे आउट होंगे। और पीटर मलन की बात करें इस टीम का कप्तान के साथ, ये बहुत जल्द साउथ अफ्रीका टीम पे डेब्यू करेंगे दोस्तों, एक अच्छे प्लेयर है मैं बता रहा हूँ आप याद रख लेना। इसके बाद यहाँ पर 71, 53 बेस्ट है, तो यहाँ पर इस टीम का कप्तान है, इनके प्लेइंग 11 भी रहते हैं और इनके एक परफेक्ट प्लेयर है दोस्तों ये। उसके बाद आता है दोस्तों क्लाइडी 14, अगर इनकी बात करें तो इनकी 27, 18, 19, 16 8 रन है दोस्तों, यहाँ पर खास स्कोर तो नहीं बने, आप चाहे तो इनको ट्राई कर सकते हो। उसके बाद आता है दोस्तों यहाँ पर फ्रेसिको एडम्स है, अगर इनकी बात करें 30 रन 2 विकेट 5 रन 1 विकेट 34 रन 1 विकेट इनकी बेस्ट है, उनके बाद इनकी खास स्कोर तो नहीं बना है दोस्तों। उसके बाद यहाँ पर आता है क्रिस्टियन एंड जॉनकर, अगर इनकी बात करें 46 रन 37 रन 30 रन इनकी बेस्ट है, उसके बाद खास परफॉर्मेंस इनका भी नहीं निकला। उसके बाद माइकल कोपलैंड की बात करें, इनकी बेस्ट है 40 रन कोई विकेट नहीं 39 रन कोई विकेट नहीं, अगर लास्ट 5 मैच में देखा जाए तो इनको 1 ही विकेट मिला और ये पार्ट टाइम बॉलर जैसे बॉलिंग करते हैं। उसके बाद हार्डेस्ट विलजियन की बात करें, एक्सपीरियंस प्लेयर है दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 विकेट 18 रन 2 विकेट 1 रन 1 विकेट 12 रन 3 विकेट, यहाँ पर नहीं खेला, आप चाहे तो इनको ट्राई कर सकते हो। उसके बाद डिस्कस करते हैं दोस्तों यहाँ पर 8, 9, 10, 11 प्लेयर्स की। तो यहाँ पर जो 7th प्लेयर है दोस्तों यहाँ पर हार्डेस्ट विलजियन है, इनके एक्सपीरियंस है दोस्तों आपको डिस्कस भी कर चुके हैं। यहाँ पर शॉन वन बर्ग की बात करें, 6 रन 3 विकेट 3 विकेट, यहाँ पर 2 मैच में विकेट नहीं मिला, 36 रन 6 विकेट टेस्ट की स्टार्ट थे, लेकिन इस प्लेयर को आप 100% कन्फर्म कीजिए, एक अच्छे विकेट ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर मोला हनाबली की बात करें तो इनकी जो बेस्ट है दोस्तों 47 है, उसके बाद खास परफॉर्मेंस नहीं निकले। उसके बाद सिया बोंगा महिमा की बात करें तो 2 विकेट 1 विकेट, तो लास्ट 5 मैच में इनको 3 ही विकेट मिले। इमरान मानक की बात करें 1 विकेट 1 विकेट 1 विकेट, यहाँ पर 2 मैच में विकेट्स नहीं मिले, अब चाहे तो इस प्लेयर को ट्राई कर सकते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो स्क्रीन पे आपको दोनों टीम की प्लेइंग 11 जो है सारे प्लेयर्स के स्टैट्स में हम लोग बता दिए। तो यहाँ पर दोस्तों आपको मैं टीम कॉम्बिनेशन बताने वाला हूँ, तो एक बार देख लीजिएगा दोस्तों यहाँ पर आपको इस टीम का ग्रांट रोफिलसन एंड कीगन पेटरसन आपको ओपनिंग करेंगे, ये दोनों आप जो फर्स्ट स्टार्टिंग देख रहे हैं उनको अवॉइड कीजिएगा। खाया जोंडो आपको वन डाउन पे बैटिंग करेंगे दोस्तों, डेविड मिलर एंड प्राइसी पर्सन मिडिल ऑर्डर संभालेंगे। डेविड मिलर इस टीम का सबसे ज्यादा पॉइंट्स लिए दोस्तों, एक अच्छे फॉर्म में भी है दोस्तों, यहाँ पर डेविड मिलर इस टीम के कप्तान के साथ एक अच्छे प्लेयर भी है। उसके बाद ग्रांट रोफिलसन आपको विकेट कीपिंग करेंगे, उसके बाद प्रेनिल सुब्रयन आपको स्पिन बॉलिंग करने वाले, ओटनेल बैट्समैन एंड टैंडो एंथनी की बात करें फेस अटैकिंग को संभालेंगे। और वही यहाँ पर दोस्तों रॉक टीम की बात करें, रॉक्स की बात करें तो यहाँ पर रॉक्स की हटाई दोस्तों पॉइंट्स टेबल आपको मैं बता दूंगा, जानेमन मलन एंड पीटर मिलन आपको ओपनिंग करेंगे दोस्तों, यहाँ पर मैं देखो स्क्रॉल कर रहा हूँ, ये आपको यहाँ पर देखना है। उसके बाद पीटर मलन इस टीम का कप्तान के साथ सबसे ज्यादा पॉइंट्स ले, तो दोनों कप्तान ने ज्यादा पॉइंट्स ले। उसके बाद मोला हनाबी की बात करें विकेट कीपिंग करेंगे, क्लाइडी 14 आपको वन डाउन पर बैटिंग करने वाले, फ्रेस्को एडम्स एंड क्रिस्टियन जॉनकर मिडिल ऑर्डर संभालेंगे, हार्डेस्ट विलजियन एंड सिया बोंगा महिमा आपको फेस अटैकिंग को संभालेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर ये जो पिच है बैलेंसड रहने वाले दोस्तों, यहाँ पर एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर यहाँ पर 140-160 रन तक बन सकता है, टेम्परेचर 20.62 है, क्लियर स्काई रहने वाला है दोस्तों। यहाँ पर स्टेडियम की बात करें सेंट जॉर्ज पार्क पोर्ट एलिजाबेथ में खेला जाएंगे। अगर यहाँ पर टीम फॉर्म की बात करें दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर ये जो विनिंग चांसेस थे डॉल्फिन की 16 है और यहाँ पर डॉल्फिन की 60% है, रॉक्स की 40 है। अगर लास्ट 5 मैच में देखा जाए तो दोस्तों डॉल्फिन यहाँ पर 2 ही मैच हारे हैं, 3 मैच जीते हैं। अगर यहाँ पर रॉक्स की बात करें 1 मैच ड्रा हुआ, 2 मैच हारे हैं और उसके बाद यहाँ पर 2 मैच जीते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर देखा जाए तो लगभग सेम है दोस्तों, यहाँ पर 1 मैच हारे हैं ड्रा हुआ। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर डॉल्फिन वर्सेज रॉक्स के बीच में पॉइंट्स टेबल, तो दोस्तों एक बार देख लीजिएगा यहाँ पर डॉल्फिन टीम ने यहाँ पर 5 में 3 मैच जीते हैं, 2 मैच हार के 4th पोजीशन पे। और रॉक्स की बात करें दोस्तों तो आप यहाँ पर देख सकते हो रॉक्स के 5 में 3 मैच जीते हैं, 2 मैच हार के, वो भी यहाँ पर सेम थर्ड वर्सेज
से फोर्थ के पोजीशन के बीच में मैच होने वाला है। अगर ग्रैंड लीग के लिए बात करें दोस्तों, मैं तीन प्लेयर दे रहा हूँ, विलोजियन, एसबर्ग, डेविड मिलर। तो दोस्तों ये जो तीनों प्लेयर आपको बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, ये तीनों प्लेयर को स्मॉल लीग, ग्रैंड लीग, हेड टू हेड, मिनी ग्रैंड लीग, जो भी आप लीग खेलोगे, इस प्लेयर को तीनों को आपको टीम में रखना ही पड़ेगा और एक अच्छी टीम बनाना पड़ेगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको सारे प्लेयर्स की स्टैट, टीम पॉइंट्स टेबल सब कुछ मैंने एक्सप्लेन किया। नेक्स्ट जो इन्फॉर्मेशन होने वाला दोस्तों वो होगा फाइनल टीम। तो यहाँ पर विकेट कीपर में रोफिल सेन है दोस्तों, यहाँ पर बैट्समैन में डेविड मिलर को ले रहा हूँ, जे मलन भी एक अच्छे प्लेयर है दोस्तों, यहाँ पर पीटर मलन, यहाँ पर इनको भी आप कंफर्म कर सकते हो। तो यहाँ पर तीन बैट्समैन, आप चाहे तो एक्स्ट्रा यहाँ पर जे स्मिथ पे जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जे स्मिथ भी एक अच्छे ऑप्शन है दोस्तों यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर ऑलराउंडर्स पे दोस्तों यहाँ पर मैं थोड़ा रिस्क लेकर बनाऊंगा, एफ एडम्स को ले रहा हूँ, और इसके बाद यहाँ पर वॉन बर्ग है। उसके बाद गेंदबाजी में दोस्तों आप यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर गेंदबाजी में देखा जाए तो यहाँ पर विलजोन है, अच्छे प्लेयर है, बैटमैन है दोस्तों यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर एस महिमा है। तो दोस्तों यहाँ पर एक एक्स्ट्रा बैट्समैन भी आने के लिए मैं सोच रहा हूँ, आप यहाँ पर देखेंगे, नहीं तो एक्स्ट्रा ऑलराउंडर पे जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर विकेट कीपर तो यहाँ पर है, तो यहाँ पर ऑलराउंडर्स में दोस्तों आपको मैं बताऊंगा, पहलू को आया तो यहाँ पर टीम क्रेडिट प्रॉब्लम हो रहे हैं, तो यहाँ पर सुब्रयन, नहीं तो आप यहाँ पर डी स्वाट को ले सकते हो, तो यहाँ पर मैं सुब्रयन को ले रहा हूँ दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर टीम बन गया। अगर कैप्टन और वाइस कैप्टन की बात करें, डेविड मिलर आपको 100% कैप्टन के लिए बेस्ट ऑप्शन है। अगर वाइस कैप्टन की बात करें दोस्तों, आप यहाँ को आपको मैं बताने वाला किस प्लेयर को वाइस कैप्टन बनाना आपको सही रहेगा, तो पीटर मलन एक अच्छे प्लेयर है दोस्तों, यहाँ पर पीटर मलन को आप बना लीजिएगा वाइस कैप्टन। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो डी स्मिथ भी, जे स्मिथ भी एक अच्छे प्लेयर है। अगर टीम प्रीव्यू की बात करें तो आपको मैं बता रहा हूँ फिर से, मैं डेविड मिलर और यहाँ पर पीटर मलन को मैं कैप्टन वाइस कैप्टन बनाए। तो दोस्तों यहाँ पर आप टीम देख सकते हो। तो दोस्तों एक बात समझ लेने, कोई मेरा फाइनल टीम नहीं, जो फाइनल टीम होगा दोस्तों आपको मैं टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा, तो टेलीग्राम चैनल को मस्ट एंड शुड ज्वाइन करना, फाइनल टीम आपको मैं टेलीग्राम पे अपडेट करूंगा। तो दोस्तों यही है पूरी इन्फॉर्मेशन, आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक, कॉमेंट और सब्सक्राइब करके जरूर जाना दोस्तों। थैंक यू।